हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मरियम उस जमाने के टॉम पर, जिसको हम जोधाबाई का मकबरा भी कहते हैं, मलिका हिंदुस्तान का मकबरा भी कहते हैं, क्योंकि उनके कई नाम हैं। उन्होंने मुगल सल्तनत को वारिस दिया था, इसलिए उन्हें ये नाम मिले। जो कि मुगल सल्तनत को वारिस देती है, उसका नाम मरियम उस जमानी पर जाता है। वैसे उनका नाम जोधाबाई था। तो आइए चलते हैं। अकबर टॉम से 1 किलोमीटर आगे ही है सिकंदरा में मरियम उस जमानी टॉम। तो चलते हैं। यहाँ आने के 2 रास्ते हैं, एक पीछे का रास्ता भी है, एक आगे का रास्ता भी है। हम पीछे के रास्ते से गए हैं। पहले और अब हम आगे के रास्ते से जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट ऑनलाइन है 20 रुपए और ऑफलाइन है 40 रुपए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको ऑफलाइन टिकट लेनी है या ऑनलाइन टिकट लेनी है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। जोधा अकबर का नाम जब जब इतिहास में लिया जाता है, तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने ZTV के नाटक, जो कि सीरियल था, उसके उसके किरदार रजत और परिधि ही आंखों के आगे आते हैं, ना कि जोधा अकबर की मूवीज के कोई लोग आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो इस जोड़ी का नाम जब भी लिया जाता है, सबसे बेहद और खूबसूरत जोड़ी है इस दुनिया की, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से हुई थी, जिससे कि उनका जो आमेर का किला है वो हमेशा बना रहे, और आमेर में सिर्फ और सिर्फ उनकी ही हुकूमत हो। इसलिए राजा भारमल और मैनावती ने अपनी बेटी की शादी मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर से करी थी। पहले तो शादी सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से हुई थी, बट इस शादी को इतना सक्सेसफुल माना गया कि आज भी इसकी मिसाल दी जाती है। आप जोधाबाद टाउन घूमने जरूर आएंगे, पर आप जरूरी नहीं है कि कब्र देख पाए, क्योंकि कब्र इतनी नीचे जाके है कि वो हर किसी को नहीं दिखती है, और कब्र इतनी नीचे इतनी अंधेरे में है कि उसे शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर हमने ये शूट करने की कोशिश करी, जितना आपको दिखा सके उतना दिखाने की कोशिश भी करी है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूरे में सिर्फ और सिर्फ पहले झील हुआ करती थी, इतनी ग्रीनरी नहीं हुआ करती थी। तब यहाँ गुलाब की खेती हुआ करती थी, जैसे कि अकबर टॉम में भी गुलाब की खेती हुआ करती थी पहले। यहाँ पानी के टैंक्स नहीं है, पर यहाँ उस टाइम के टॉयलेट्स बने हुए हैं, पर वो शूट कर पाना मुश्किल था। और यहाँ घूमने की सिर्फ एक ही जगह है कि आप सिर्फ कब्र देख सकते हैं और कोई जगह नहीं है। और प्लीज़ यहाँ आकर फूल पत्ती ना तोड़े। और वैसे भी सिर्फ आज ईद का वक्त है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं, वरना यहाँ टूरिस्ट बहुत कम होते हैं। कोई भीड़ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कपल्स होते हैं या फालतू लड़के होते हैं। तो आप यहाँ आकर कोई भी ऐसा काम ना करें कि यहाँ आकर किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ बात हो। तो आप यहाँ आकर बिल्कुल भी किसी रूल्स को ना तोड़ें। जो रूल्स यहाँ लिखे गए हैं उन्हें आप फॉलो करें, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह को सिर्फ अगर आप तभी देखने आ सकते हैं जब आपके दिल में लोगों के लिए प्यार हो, इज्जत हो। तो आइए नीचे चलते हैं और जोधा की कब्र देखते हैं। तो जहांगीर ने जब भी बनवाया था, तब उसने अपने दिमाग में याद रखा कि उसे ये दोनों आर्किटेक्चर को मिक्स करके ही जगह बनवानी है, क्योंकि अकबर टॉम का भी काम अकबर ने अपने मरने से पहले शुरू करवा दिया था। उसके 3 साल बाद ही अकबर की डेथ हो गई थी, जो कि जहांगीर ने फिर वो काम कंप्लीट करवाया। और अकबर के जाने के 13 ईयर्स बाद ही जोधा की डेथ हुई थी, तो ये भी काम जहांगीर ने बनवाया। ये दोनों ही टॉम आधे जहांगीर ने बनवाए हैं और आधे अकबर ने बनवाए हैं। देखने के लिए बेहद खूबसूरत है कि जहांगीर ने भी दोनों धर्मों का इज्जत की, दोनों धर्मों को अपना माना। और ये देखने के लिए बेहद खूबसूरत जगह है कि कैसे दो धर्मों को जोड़कर एक आर्किटेक्चर बनाया गया है, एक बिल्डिंग बनाई गई है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें।
ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये गुम्बद जो है, ये दो जो गुम्बद दिख रहे हैं आपको, ये मुगल आर्किटेक्चर है। बीच में जो आपको अम्ब्रेला टाइप दिख रहा है, ये राजस्थानी आर्किटेक्चर है। और अगर आपको अकबर टॉम घूमना है, या अकबर टॉम की कुछ वीडियो है, तो अगर आपको अकबर टॉम घूमना है, उसका टूर देखना है, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर देखना। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।